तो स्वागत है गाइस आप सभी लोगों को मेरे इस न्यू वीडियो के अंदर। सो गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं हिमलैंड्स का नया एपिसोड, एपिसोड 8 है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। भाई साहब उस ऐसे एपिसोड में स्मार्टी भाई ने ड्रीम बॉय को मार डाला और आपने देखा होगा कि उसके नीचे में लिख क्या है कि वो हमेशा के लिए मर चुका है, वो कभी भी रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता। भले ही आप लोगों को पता होगा पहले लिखा आता था कि वो किसी दूसरे वर्ल्ड में स्पॉन होगा, पर ऐसा बिल्कुल भी लिख के नहीं आता। क्या ड्रीम बॉय का मतलब कि हिमलैंड्स का एंड हो चुका है? क्या आप ड्रीम बॉय हिमलैंड्स में कभी भी नहीं आ सकते? तो आज हम लोग यही टॉपिक पर बात करेंगे और हम लोग किलविस के बारे में बातें करेंगे जो हमें हिमलैंड्स के नए एपिसोड में देखने को मिला है। तो वीडियो में कम्प्लीटली हमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, तो इस वीडियो को आप लोग पूरा एंड तक देखना। तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, फ्री का चीज़ है। और अगर आपने लाइक बटन नहीं दबाया तो क्या कर रहे हो गाइस, यार लाइक बटन को दबा दो फटाफट से। सो गाइस हम लोग सबसे पहले बात करने वाले किलविस के बारे में। जैसे कि आपको पता होगा किलविस की बॉडी जो है वो हिमलैंड्स में अभी भी रखे हुए हैं, मतलब उसे एक तरीके से कह सकते हो रिस्पॉन्ड करने के लिए उसे रखा गया है। जैसे कि आप लोगों ने हिमलैंड्स के न्यू एपिसोड में देखा होगा, तो आप सबसे पहले इसमें आप लोग क्लिप दिखाना चाहता हूँ, पहले क्लिप को देख लो फिर हम लोग उसके बारे में बातें करेंगे किस तरीके से उसका रिवाइव होकर खेल सकते हैं। ओह माय गॉड गाइस, कंफर्म हो चुका है ये जो सीक्रेट जगह है ना, ये एक्चुअल में होगा लाला एंड हुला लाला को बिलोंग करती है। साला किलविस यहाँ पर बना हुआ है जो कि यहाँ पे थ्रोन के ऊपर बैठा हुआ है। ओह माय गॉड, हम लोग ऐसी जगह पे आ चुके हैं ना, अभी एक ऐसी जगह पे इस वक्त हम लोग आ चुके हैं ना जहाँ पे आई थिंक हम लोगों को नहीं होना चाहिए। साला यहाँ पे गोल्डन एप्पल्स क्यों लगे हुए हैं? ओके मुझे पता नहीं ये गोल्डन एप्पल उठाने चाहिए थे कि नहीं उठाने चाहिए थे। बहुत ही ज्यादा अजीब सी और बहुत ही ज्यादा ट्रिपी चीज है ये। गाइस हम लोग एक बहुत ही ज्यादा सीक्रेट होगा लाला हुले लाला के ठिकाने तक आ चुके हैं जहाँ पर साला किलविस भी बना हुआ है। यार माइक ये क्या, सामने ये क्या है, ये कैसा ब्लॉक है, अजीब सा है ना, कितना अजीब सा जैसा अलग सा जैसा ब्लॉक है भाई ये तो। ओके आस पास देख लो गाइस यहाँ पे कुछ भी टूट नहीं रहा, ये भी तोड़ नहीं पा रहा, ये भी तोड़ नहीं पा रहा मैं। ये तो होता ही होता है जब भी हम लोग एंटिटीज के उसमें जाते हैं ना, ये होता ही होता है हमेशा, कोई भी चीज हम लोग तोड़ ही नहीं सकते। काश मैं इसको तोड़ पाता तो कितना। अबे साला ये वो नहीं है ब्लॉक, ये किलविस की मुंडी। वेट अ सेकंड, किलविस की मुंडी इन लोगों के पास कहां से आएगी हैं? दूसरी साइड क्या है वहां पे, वहां पे कुछ ये किलविस की टांग है। हाँ देखो इसकी टांग, ये राइट वाली टांग देखो, ये देखो लाल लाल उसमें कुछ बना हुआ है, ये देखो टी बना हुआ है यहाँ पे जो पायर में, वहां पर भी सेम बना हुआ है। ओह माय गाइस, मैं तुम लोग एक बात बताऊं, किलविस को जब लास्ट सीजन के एंड में मैंने मारा था ना, तो उसके बाद उसकी बॉडी वहीं पर पड़ी हुई थी और एसजे ने मुझे बताया था कि इस किलविस की बॉडी इन लोगों ने जहां पर भी रखी थी ना, वहां पर या तो किंग ओडिन ने या तो पता नहीं किसने हमला किया और इतना जोर का धमाका किया कि एसजे ने मुझे बोला था कि किलविस की जो बॉडी है उसके टुकड़े टुकड़े हो गए होंगे एंड वो पता नहीं कहां है। पर मुझे एसजे ने लास्ट टाइम पे बोला था कि उसकी जो बॉडी वो डिस्ट्रॉय हो गई थी पूरे तरीके से, हम लोग वहां पर देखने के लिए गए थे। ये साले बंदे यहाँ पे किलविस की मुंडी और उसकी पैर को, इसका मतलब समझो तुम लोग गाइस, ये लोग साले किलविस को जिंदा कर रहे हैं और ये लोग यहाँ पे किलविस के अलग अलग पार्ट्स को ढूंढ रहे हैं। आई थिंक वो स्कैटर हो चुका है हमारे हिमलैंड्स के अंदर जब वो धमाका वहाँ पे हुआ होगा, जो ने मुझे बताया था कि आई थिंक किंग ओडिन ने हमला किया था, शायद से किंग ओडिन। सो गाइस आप लोगों ने अभी जैसे कि क्लिप को देखा होगा कि इसके अंदर स्मार्टी भाई ने बता दिया कि उसे रिवाइव करने की कोशिश किया जा रहा है। एंड आपने ये भी देखा होगा कि स्मार्टी भाई एक ऐसी जगह पे चले गए थे जहां पर हार्ट वगैरह जनरेट हो रहे थे, तो गाइस मुझे ऐसा लगता है कि उसी जगह पे शायद किलविस की बॉडी को रखेंगे ना तो शायद तक वो रिवाइव हो जाएगा। और आपको क्या कहना है मुझे कमेंट करके जरूर से बता देना। मेरे ख्याल से लगता है कि वो रिवाइव करने के लिए ही उस जगह को बनाया होगा और जैसे कि जैसे ही सारे उसके बॉडी पार्ट्स मिल जाएंगे तो वहीं पर शायद तक किलविस को ले जाएंगे। और आपको क्या कहना है कमेंट करके मुझे जरूर से बता देना, ये मेरा ओपिनियन है, आपके ओपिनियन मुझे कमेंट में जरूर से बता देना। अब हम लोग बात करते हैं ड्रीम बॉय के बारे में। तो जैसा कि आपको पता होगा कि ड्रीम बॉय कम्प्लीटली मर चुका है, स्मार्टी भाई ने यही बताया कि अब वो हमेशा के लिए हिमलैंड से चला गया है। पर गाइस मुझे नहीं लगता कि इस ड्रीम बॉय हमेशा के लिए जाएगा, उसने वो जो है मेरे ख्याल से लगता है कहीं ना कहीं पर फिर से रिस्पॉन होने वाला है। भले ही ऐसा हो सकता है कि वो पूरे इस हिमलैंड से कहीं और ही स्पॉन हो, हिमलैंड को छोड़कर कहीं और ही स्पॉन हो जाएगा, लेकिन मेरे ख्याल से लगता है ड्रीम बॉय तो वापस आएंगे ही। या फिर गाइस मुझे ऐसा लगता है किलविस को जिस तरीके से रिवाइव करने वाले हैं बिल्कुल उसी तरीके से ड्रीम बॉय को भी फिर से रिवाइव करना होगा। मेरे ख्याल से ऐसा लगता है कि ड्रीम बॉय फिर से हमें रिवाइव, मतलब कि स्मार्टी भाई ही हमें फिर से रिवाइव करेंगे ड्रीम बॉय को, या फिर हो सकता है इजी भाई रिवाइव करे, क्योंकि आपको पता होगा कि अभी किलविस को रिवाइव कर सकते हैं, मतलब प्लेयर को भी रिवाइव कर सकते हैं, ऐसा कुछ सीन वगैरह लाएंगे हिमलैंड्स के अंदर। तो आपको क्या कहना है मुझे कमेंट करके जरूर से बता देना, मेरा ओपिनियन तो यही है।
सो गाइस आप लोगों से एक क्वेश्चन है, आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन पे जाओ, मैंने एक कमेंट पिन कर रखा है उसमें आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ, उसका रिप्लाई दो कि आखिरकार उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस है, आपके जो भी थ्योरी से रिलेटेड है क्वेश्चंस उसके आंसर आप लोग दे सकते हो तो दे देना, तो मैं उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। तो आज के वीडियो बस इतना ही गाइस, मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।